ऋगदस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभङ्ग्यावानो विदुषे शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतिः
ब्रह्मणो प्रतिप्रादेश देशे द्वारा करते वशंतरे अष्टावी संतम युगे कल युगे सुनक्षत्रे जम्बू देते भारतवर्ष से वंशानुसारे वर्तमान विकलवा काल युक्त नाम संवत्सरे दक्षिणाने मासा नाम आशी नाम आश्विन मासे शुभे शुक्ले पक्षे विजया दशमी पूर्ण तीर्थों शनिवासरे श्रवण नक्षत्रे ये लगभग 350 वर्ष पुरानी एक परिपाटी चली आ रही है और उसी परिपाटी के तहत यहाँ पर पहले हमारे जो इस पूरे क्षेत्र के राजा हैं और इस पूरे क्षेत्र के जो महाराज हैं महाराज राजा धीराज भगवान हम उनकी पूजा करते हैं, उनको गद्दी में बैठाकर पूजा करते हैं और एक सेवक के नाते उनकी सेवा करने का भार उठाते हैं। कब से बनाया जा रहा है, कितने वर्षों पुरानी परंपरा है इसका जो निर्वाहन हो रहा है?
कितने वर्ष पुरानी? मैंने कहा ना लगभग 350 वर्ष। रिवर रियासत से आएगा क्या संदेश? बिल्कुल संदेश होगा। क्या होगा? जब वो संदेश होगा तब आप सुनेंगे। कहा जाता है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, क्योंकि इस बार जो हम लोग अवार्ड्स कर रहे हैं उस अवार्ड्स में काफ़ी तब्दीली आई है, और आप देखेंगे कि जिन्होंने तृण मात्र भी विंध के लिए कोई काम करा है उनके लिए अवार्ड्स हम लोग रखे हैं और उनको अवार्ड दिया जा रहा है। कोशिश हमारी ये है कि विंध के प्रति लोग और आकर्षित हों, विंध के प्रति लोगों का ध्यान आए, विंध के लिए लोग काम करें और विंध उनको उसके बदले में भारत में एक ऐसी ख्याति दे जैसे हिमालय ने दी है। मैसूर के बाद रीवा में बड़े धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जाता है। भगवान राजा धीराज की कृपा है और वो यहाँ की जनता की कृपा है जो इसको अक्षुण्य रखे है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को विंध्य दिया था, उसने बांधवगढ़ दिया था, उसका आज बहुत बड़ा अवार्ड जा रहा है। हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारीगण मौजूद हैं, उनको जा रहा है, और एक बहुत विशेष अवार्ड जा रहा है जो एक भद्र महिला पधारी हैं आपके बीच में, और उन्होंने जो काम करा है भारत के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए और उन्होंने जो काम करा है पूरे विंध के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, आप उनका भी कार्य देखेंगे। पीएमओ से वो रिलेटेड हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो संबंधित हैं और भारत शासन में नागरिक उड्डयन और कल्चर मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आपके इस शहर में भी उन्होंने काम करा है जिसमें मैंने उनका साथ दिया है, कई जगहों पर मैंने उनका साथ दिया है, और ये बड़े गर्व के बात है कि आज वो यहाँ पर पधारी हुई हैं। आप प्रतीक्षा करें उनका भाषण और उनकी PPT देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि रीवा में कोई एक ऐसी व्यक्ति आज पधारी हैं जिनको पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं सम्मान मिला है, मान्यता मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशियाना इंफ्रा एंड डेवलपर्स की ओर से दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ निपनिया रीठी और रीवा सीधी हाईवे से लगे सर्व सुविधा युक्त कवर्ड कॉलोनी में उचित कीमत में प्लाट उपलब्ध हैं। हमारा पता है चक्रधर सिटी सेंटर, रीवा।